हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आप लोगों को लेकर, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो गाइस, इसका कलेक्टिव एनर्जी जितना रेजोनेट होगा उतना रखना है आपने, एंड बाकी को जाने देना है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, टाइमलेस रीडिंग है गाइज। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट होता है उतना रखना है आपने, बाकी को जाने देना है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन है आपके माइंड में, चाहे आपका उनके साथ नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, किसी तरह से कोई ब्लॉक सिचुएशन है, या कुछ भी सिचुएशन है आपकी, जिस पर जो भी पर्सन आपके माइंड में, आप उनके लिए रीडिंग को देख सकते हैं। आपके लवर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, आपका कोई फियोंसी है, इट कुड बी एनीवन, ठीक है। सो आपकी कोई सिचुएशनशिप है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपने 3 times उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है, ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, बट जनरल रीडिंग है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनी थिंग। जितना ईजिली रिलेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को आपने जाने देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं। सो आई एम यूजिंग माई न्यू टैरो डेक, इट्स अ ब्लू टैरो, सो लेट्स सी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बेसिकली। सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आप लोगों को लेकर। लेट्स सी, इट्स अ न्यू टैरो, सो आई एम यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी, देखते हैं क्या है पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। सो फर्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी, नंबर वन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स बाय द वे। ये जो भी पर्सन है गाइज, ऐसे लग रहा है आप कुछ नया ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं आप लोगों के साथ, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 21, 26 एज, डेट ऑफ बर्थ 216, लाइफ पाथ नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका या आपका। यस, ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये आपके पास आना चाहते हैं विद द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं, बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये जगल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये आपकी तरफ ऑफर लेकर आए। यस, बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है जैसे इनको पता नहीं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप इसकी इस प्रपोजल को, इस जो कमिटमेंट है उसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो जगल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली ये पर्सन या तो किसी तरह से कोई शेफ हो सकते हैं, किसी तरह से कोई रेस्टोरेंट हो सकता है इनका, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान एक बैलेंस कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। अगर आपके और इनके दरमियान कोई प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं तो ये चाहते हैं कि आपकी हारमनी बने, इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल गिव एंड रिसीविंग हो। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से ट्रस्ट या कुछ ऐसे जो होते हैं ना बने हुए, कोई फंड्स वगैरह करना, कुछ ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हैं, पुअर एंड नीडी पीपल की। हो सकता है ये पर्सन जो है वो फ्री में जो है लोगों को फूड सर्व करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रही वो किस तरह से आपके साथ कनेक्शन बनाए, या किस तरह से ऑलरेडी अगर आपका कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को आगे स्मूथली वे में किस तरह से लेकर जाएं। एंड वी हैव डेथ नंबर 13, कुछ लोगों का ऑलरेडी इस पर्सन से ब्रेकअप हो चुका हुआ है, एंडिंग हो चुकी हुई है, आपका सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो चुका हुआ है, लेकिन ये जो भी पर्सन है ये इस कनेक्शन की डेथ नहीं करना चाहते। डेथ हो चुकी हुई है लेकिन वो फर्दर आने वाले टाइम में चाहते हैं कि आपकी तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आएँ, ताकि उनकी लाइफ और रिलेशनशिप जो है आपके साथ एक नए सिरे से स्टार्ट हो सके। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही विद द डेथ कि वो कनेक्शन जो ख़त्म कर चुके हैं या कनेक्शन ख़त्म जो हो चुका है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, क्या आप इनको मौका दोगे दोबारा से इस कनेक्शन में इनके साथ जाने का, ये इनको समझ नहीं आ रही। जबकि वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, वो चाहते हैं उनकी लाइफ में चेंजिंग आए, आपके इस कनेक्शन में जो भी कुछ चल रहा है उसमें ट्रांजिशन आए, उसमें रिबर्थ हो। यहाँ तो हो सकता है आप लोग रेस्टोरेंट में मिले हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है, किसी तरह के बुफे में, किसी तरह की हाई टी में, या फिर ये इंसान वहाँ पर कोई वर्क करता है,
किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, या तो एज अ शेफ़ है, एज अ कुक काम करता है, या फिर इस पर्सन का अपना कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई ढाबा वगैरह जैसे हो गया वो भी हो सकता है इस पर्सन का। स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, आपकी स्टार साइन की। नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इस पर्सन की। अपनी एज 24 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, अदरवाइज 4 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो गाइज ये पर्सन कोई कैशियर है, या ये पर्सन कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों का ये पर्सन आपका बॉस भी हो सकता है, या फिर आप दोनों बैंक में काम करते हो, एज अ कलीग हो सकते हो आप। बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस, इनकी फीलिंग्स आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने की है, जहाँ पे ये इंसान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। और हो सकता है ये पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा मनी है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको खुद मनी भी बहुत सारी दे सकते हैं। बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इट्स अ वेरी अर्थी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। टॉरस फिर को कैप्रिकॉन हो सकता है, आप दोनों का स्टार साइन है। या तो ये इंसान कोई कंप्यूटर वगैरह पे बैठ के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या फिर हो सकता है ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, या हो सकता है आप किसी तरह से ऑनलाइन किसी लाइक साइट के थ्रू मिले हो, किसी वेबसाइट के थ्रू मिले हो। यस, एंड देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बट जिन लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन को समझ नहीं आ रही ये इंसान आपसे बात करे या ना करे, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान ने डेफिनेटली पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपके साथ, आपका आपकी कॉल रिसीव नहीं की, आपसे बात नहीं की। बट इस टाइम जो है ये पर्सन इनडिसाइसिव हो रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया है, आपकी कॉल रिसीव नहीं की, आपसे बात नहीं की, तो क्या अब आप इनसे बात करोगे? बिकॉज आई फील गाइज ये पर्सन ने आपसे डेफिनेटली ना आप लाइक आपकी कॉल किसी ना किसी तरीके से रिजेक्ट ज़रूर की है, या फिर आप लोग इस ब्रेकअप होने से पहले, इस एंडिंग होने से पहले आप लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इंसान अपने आप को बिज़ी शो करवा रहे थे, काम में बिज़ी हो थे, लेकिन ये इंसान देख रहे थे कि आप इनको कॉल कर रहे हो, बट स्टिल ये आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तो इस टाइम ये इंसान सोच रहा है कि अगर ये आपको कॉल करते हैं तो उस चीज़ में इनको समझ नहीं आ रही कि आप इनकी कॉल रिसीव करोगे, या फिर हो सकता है ये आपको कॉल कर रहे हैं लेकिन आप रिसीव नहीं कर रहे। दैट्स वाई उनको समझ नहीं आ रही कि आप अगर रिसीव नहीं कर रहे हो, उनकी कॉल पिक नहीं कर रहे हो, आप उनकी कॉल, उनसे बात ही करना पसंद नहीं कर रहे, तो क्या आप कभी उनके साथ कनेक्शन बनाना भी चाहोगे? उस चीज़ में ये पर्सन डिसाइसिव हो रहे हैं और जगल कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है शायद ये इंसान को लेकर आप शायद अब लॉयल नहीं रहे हो, या आप लोग सीरियस नहीं रहे हो, या आप लोग कोई फील ही नहीं कर रहे किसी चीज़ की। सो दैट्स वाई ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, इस पर्सन की दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि ये क्या हो गया है। तो ये इंडिसाइसिव हो रहा है, समझ नहीं आ रही इस पर्सन को ये करे तो करे क्या। आपको कॉल करे तो हो सकता है आप रिसीव ना करो, अगर कर रहे हैं तो आप रिसीव नहीं कर रहे हो, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी हो सकती है यहाँ पे इस पर्सन की। एज 27, 22, 24, 26 हो सकती है। डबल टू मास्टर नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे मुझे। एंड देन वी हैव थ्री ऑफ वांड्स, ये आना चाहते हैं आपके पास गाइस। यहाँ तो आप दोनों के दरमियान किसी तरह का डिस्टेंस है, उस वजह से भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी। बट थ्री ऑफ वांड्स यही बता रहा है कि ये इंसान जो है प्लानिंग कर रहा है आप लोगों को रीच आउट करने की, आपको कॉल मैसेज पे बात करके ये पर्सन जो है ना अपना टाइम बिल्कुल भी लाइक वेस्ट नहीं करना चाहते, या उनको लगता है कि अब मामला ऐसा हो चुका है आपका सारा आप सिचुएशन कि वहाँ पे कॉल मैसेज पे बात करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। दैट्स वाई अगर इस इंसान को सीरियसली आपके साथ कनेक्शन बनाना है तो इनको कोई ना कोई खुद फर्दर एक फिज़िकली मूव लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, जैसे है इंसान ये अपना सूट केस पैक कर रहा है क्योंकि इसको आगे बढ़ना है, आपकी तरफ एक्शन लेना है। दैट्स वाई तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और फ्यूचर को लेकर ये इंसान जो है वो आप लोगों की तरफ कोई ना कोई मूव लेना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इट्स अ ट्रैवल इन्वॉल्व, डिस्टेंस है, यहाँ तो ये पर्सन आउट ऑफ सिटी है, स्पेशली मुझे आउट ऑफ कंट्री की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यस, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके और इनके बीच में ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि इनको लग रहा है अब ये आराम से सॉल्व होने वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे वन ऑन वन फेस टू फेस जो है वो बात करनी पड़ेगी, तभी जाके कोई ना कोई मतलब समझ आएगी कि कनेक्शन आपका जाना कहाँ है, आगे बढ़ना है या ख़त्म होना है, या क्या सिचुएशन होनी है। आपके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कम्युनिकेशन लैक है, उस वजह से ही प्रॉब्लम हो सकती है।
यस यहाँ तो हो सकता है आप इनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये पर्सन कॉल रिसीव नहीं कर रहे। यस ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है और आप सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ फिजिकली मीटिंग की जाए क्योंकि इस तरह से बात का सलूशन ही नहीं निकल रहा। या तो आप खुद ये जहाँ पे ये पर्सन स्टे कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे ये पर्सन रहते हैं वहाँ पे आप खुद मूव करना चाहते हो किसी तरीके से उनसे फेस टू फेस मिलने के लिए, चाहे वो आप वर्किंग प्लेस हो सकती हैं या उस पर्सन का अपना लाइक पर्सनल स्पेस है वहाँ पर भी आप हो सकता है रीच आउट करने का प्लान कर रहे हो। अदरवाइज हो सकता है मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से इंसान आपको कोशिश कर रहे हैं रीच आउट करने की, कॉल कर रहे हैं लेकिन आप लोग कॉल रिसीव नहीं कर रहे। आपको पता है कि इंसान आपसे बात करना चाह रहा है बट आप में से कुछ लोग बिल्कुल इससे बात नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान जो है अभी भी शायद आप लोगों के साथ कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं है। एंड देन वी हैव द मून। काफ़ी इमोशनल हो रहा है गाइज ये पर्सन विद द डेथ एंड विद द मून। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप लोगों के दरमियान अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है जिसको ये पर्सन जो है अब आना चाहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्योंकि इनको लग रहा है अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई आपके दरमियान। क्योंकि यहाँ पे एक तो मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कन्फेशन की कमी है। अगर कन्फेशन है भी है तो ट्रस्टवर्दी नहीं रहा आपका कनेक्शन, तो ये इंसान दैट्स वाई चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आया जाए ताकि फाइनली बैठ के डिसाइड किया जाए कि करना क्या है आगे, कनेक्शन बनाना भी है या नहीं बनाना। विद द मून काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन और मुझे लगता है आपको भी काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं इस पर्सन के। ऑब्वियसली इंट्यूटिव कनेक्शन है दैट्स वाई। यस तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है कुछ लोगों की तरफ से। होपफुली ये इंसान हो सकता है आपको धोखा कर दे कर गए हैं दैट्स वाई भी इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनके बात करना भी चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। कोई ना कोई आपके ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, डाउटफुल सिचुएशन रही है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आया है गाइस विद द मून। बट राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं बिकॉज विद द स्टार ये अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनको इस कनेक्शन में हीलिंग मिले, आपके साथ बैलेंस बने और उनका ये विश उनका ड्रीम पूरा हो आपके साथ रहने का। यस क्योंकि आपको ये पर्सन एक स्टार की तरह देखता है। आप इनसे कुछ लोग हो सकते हैं स्टार सीड हो सकते हो, आप लोगों में से हीलर हो सकते हो कुछ लोग। तो ये इंसान जो भी है ना ये इंसान को लगता है कि आप इस पर्सन के साथ एनर्जी जब कनेक्ट करोगे तो काफ़ी रिजुविनेशन की एनर्जी होगी, लाइक दिस पर्सन डेफिनेटली विल फील वेरी यंग वेरी एनर्जेटिक, ऐसी एनर्जी कुछ दिख रही है। दैट्स व्हाई ये इंसान आपके पास आना चाहता है विद अ स्टार। इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो, बहुत चार्मिंग पर्सन हो और इस पर्सन को यूनिवर्स पर फेथ है कि आपके दरमियान चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी क्योंकि इस पर्सन की विश है, उनका ड्रीम है अब आपके साथ दोबारा से कनेक्शन ठीक करना, तो वो अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके सामने हो सकता है किसी चीज़ का कन्फेशन भी करेंगे, जिन चीज़ों का अभी तक कन्फेशन नहीं किया था, अगर किया था तो डेफिनेटली वो आपका ज़रा चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी थी या मिस जो है ना चीज़ें हो चुकी थी, वो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं ये पर्सन कन्फेशन देना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर की जो एक डार्क साइड है, एक शेडो सेल्फ है, वो शायद इस पर्सन को काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है। जहाँ पे इनकी गलती है वो इनको पता चल चुके हैं। और कुछ लोगों की साइड से तो मुझे लग रहा है इस पर्सन की कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी अवेकनिंग या फिर ऐसी कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा है जहाँ से ये इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी लर्न कर रहे हैं और अपने आप को चेंज होता देख रहे हैं। दैट्स वाई इनके अंदर जो शेडो सेल्फ थी, जो बुरी चीज़ें थी, वो भी ये पर्सन इन्हेंस कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को पॉलिश कर रहा है ये पर्सन। इसीलिए ये पर्सन विद अ स्टार आपके सामने आना चाहते हैं और अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल कनेक्शन बना के। लेकिन ये पर्सन को समझ नहीं आ रही कैसे होगा। यहाँ तो आपके पास इनको लगता है चॉइसेस हैं, दैट्स वाई आप इस पर्सन से बात करो ना करो, इनसे कनेक्शन रखना चाहो या ना रखना चाहो, इस टाइम बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है। दैट्स वाई इनको चीज़ें काफ़ी स्ट्रेसफुल जो है ना दिख रही हैं। एक्वेरियस एनर्जी हो सकती है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। इस पर्सन की एज की बात करूँ तो मुझे 20+ दिख रही है, 29, 28 भी हो सकती है, बाकी 20+ जो थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और कुछ लोगों की साइड से मुझे 30+ एनर्जी आ रही है, 31, 36, 32, 34, 38 एंड 39। एक्वेरियस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, लेकिन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए फाइनली कोई नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं वो आपकी तरफ।
वी हैव स्ट्रेंथ ऑब्वियसली, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ कोई ना कोई ब्रेवरी के साथ आपकी तरफ मूव लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये कनेक्शन जो है वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हीलिंग कनेक्शन है. दैट्स वाई वो अपनी पावर में आके आपकी तरफ आएंगे. एंड विद द फाइव ऑफ कप्स, इनका जो भी दिल दुखी है, जिस तरह से भी इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, ये फाइनली उस चीज़ का रिग्रेट करते हुए आपको अप्रोच करेंगे. यस, क्योंकि इंसान काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहा है विद द फाइव ऑफ कप्स. देर इज़ अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जिसको रिलीज़ करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि इनको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपना रिग्रेट जो भी हो रहा है, इनको जो भी गिल्ट हो रहा है, वो ये सामने आपके फाइनली कन्फेस कर लेंगे. लियो स्टार साइन हो सकता है इनका, या फिर आपका नंबर 8, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड. यस, आपके और इनके दरमियान में जो भी गाइस विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, ये फाइनली उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत पेन हो रही है इस सिचुएशन में रहते हुए, और ये चाहते हैं कि इनको ना इस चीज़ों से हीलिंग मिले. दैट्स वाई आपको अप्रोच करेंगे. यहाँ पे टाइमिंग जो है वो 8 डेज़ की भी हो सकती है, 8 वीक्स की भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अगस्त के सीज़न में हो सकता है ये इंसान आपके साथ कोई ना कोई आगे मूव ले सकते हैं. 35 एंड 38 भी इनकी एज हो सकती है. यस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे. या मुझे लगता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनको जितने गिल्ट हो रहा है ना, ये इंसान उस चीज़ का ना आपसे ऑब्वियसली सॉरी बोलना चाहते हैं. जो भी इन्होंने आपका दिल दुखी किया, आपको रिजेक्ट किया, आपको छोड़ा है, आपके साथ ब्रेकअप किया है, या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं की, उन सब चीज़ों को लेकर ये इंसान डेफिनेटली आपसे ना उस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी पेन में है आपको पेन देने के बाद. कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन डेंटिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर हो सकता है एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, किसी तरह से सोशल वर्किंग करते हैं, मेडिकल फील्ड हो सकती है. ये एनर्जी आ रही है. या सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. मैं मिलूंगी गाइज आपको नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय.